निगाहों का मरकज बना जा रहा हूँ, मैं कर्जे उठाता चला जा रहा हूँ। है महंगाई इतनी कि अब घर की अशिया मैं रोजाना ही बेचता जा रहा हूँ, कोई तदबीर काम नहीं आ रही। खैर तभी तो आ रहे वसी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल? हुजूर कैसे हैं? आप सुनाइए, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, सिंध के ट्रैफिक वार्डन लग रहे हैं। वो कहते हैं सिंधी में कुछ केदी निराली गाल हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। इस तरह के वार्डन साइकिल वाले ना बहस कर रहे हैं, तू सरकारी नंबर प्लेट क्यों नहीं लाई? इस तरह के वार्डन जड़े होंगे ना जी, बारिश वाले दिन शारे ते पकौड़े ला लेंगे। अच्छा, इस तरह के ट्रैफिक वार्डन रेड लाइट इशारा खुला के ते नौकरी तो छुट्टी कर लेंगे। इस तरह के वार्डन बाजे वाली वर्दी पा के चलान कर रहे हैं। इस तरह के वार्डन सारा दिन कोई ना लभे शाम को अपनी मोटरसाइकिल का चलान कर लेंगे। अच्छा, इस तरह के वार्डन फसी ट्रैफिक च अपने अफसर को छुट्टी मांग के पक्की छुट्टी ते चले जाते। इस तरह के वार्डन अहम मीटिंग च घर फोन कर रहे होंगे, अहम मोटर बंद कर देना मैं खुली छड़ आया सी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर साथ ही साथ मेंबर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ एलडीए के मेंबर भी हैं, जनाब मियां मोहम्मद आतिफ। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई है एक्ट्रेस नमरा शाहिद। शो नहीं आज मियाँ साहब माशाल्लाह फिर से तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी होती है सर आपको देखते। एक मैं गजल लाया हूँ जी आपको। जी अरे अकरम उदास मियाँ पीएमएल में ही नहीं होते। अच्छा। ये पीटीआई में भी हैं। जरा देखो ये नमरा जी के जो नंबर वन अदाकारा और मॉडल भी हैं। अच्छा। इनके पहलू में ये कौन बैठे हैं भला? ये कौन है? कौन हरे ठाकुर? सियासतदानों के दिल भी, दिलों के भेद भी, और जहन में चलने फिरने वाले ख्वाब भी एक जैसे होते हैं। एक जैसे। अगर तुम पूछना चाहो तो बेशक पूछ लो। ये सामने तशरीफ फरमा है मियां आतिफ साहब। आज तो साढ़े भी कहते अखियों वगदा पानी दसे, अखियों वगदा पानी दसे, अपनी आप कहानी दसे, ते बहुता मूह दा मिठा जेड़ा अंदर दी बेईमानी दसे, ते हवा भरिया होका जिवें दिल दी सट पुरानी दसे। अभी भी मौका है, आगे बढ़ना है तो बढ़ लें। बहादुरी की जरूरत नहीं, थोड़ा सा डर लें। जितनी पीटीआई ने महंगाई कर दी है आतिफ भाई, मेरा मशवरा है अगला इलेक्शन नून की तरफ से लड़ लें। जी क्या हाल है मियां साहब आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं। नमरा जी आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आपके? बिल्कुल ठीक। आपको समझ आ जाती इनकी बातें? हाँ, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत आती हैं। चलें, जितनी आपको आ रही हो आप बताइएगा, बाकी पे आप झूठा लाफ्टर दे दीजिएगा। नहीं, 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 आपने सिर्फ हंसना है हमारी मजबूरी समझ के। हमारी मजबूरी को समझें प्लीज। मगर मियां साहब ये क्या, आप तो बहुत यंग होते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये यंग होते जा रहे हैं, हम लोग तंग होते जा रहे हैं। वो तो होते ही जा रहे हैं, लेकिन ये कोई खास मैं देख रहा हूँ, इस बार तो आप लगता है 5-6 साल पीछे चले गए हैं। 33 पे चला गया। 33 पे चले गए हैं आप, मतलब हुकूमत सिर्फ पीछे नहीं जा रही थी, आप लोग भी पीछे जाना शुरू हो गए। इसकी कोई खास वजह? बस अल्लाह का शुक्र, शुक्र तो है, लेकिन फिर भी कोई कुछ तो होगा इसके पीछे। कोई आपने को लगता है कोई एक्सरसाइज वेक्सरसाइज शुरू की है? नहीं, जस्ट वॉक करता हूं और तो कोई ऐसा। ये वॉक पहले नहीं करते थे आप? नहीं, पहले नहीं। अच्छा, तो ये इस तब्दीली की वजह क्या है? वैसे तो आ गई पूरे मुल्क में, आ गई तो मेरे में भी आ गई। अरे माशाल्लाह, जितने आप यंग होते जा रहे हैं, आप पीटीआई के अनिल कपूर बन गए। पीटीआई के अनिल कपूर। अगले इलेक्शन ते तो होगा ना, लोगों को कहेंगे मैं वो तो नहीं, मैं फिर वोट दो, मैं वो नहीं है। चेंज हो गया जी।
तो ये क्या यही वो तब्दीली थी जिसका वादा किया गया था हमसे? नहीं, बाकी भी तब्दीलियां काफी आ रही हैं, अल्लाह खैर करे। आप घबरा क्यों गए? अभी घबराना नहीं है, अभी भी घबराना नहीं है। ये दो साल पहले अभी कोई और करना है, अभी दो साल रहते हैं, बाकी रह गई दुनिया जो है वो आपसे कई गुना महंगाई हो गई है। हम दुनिया में नहीं ना, पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान भी तो दुनिया में ही है ना। अच्छा, तो मतलब जो दुनिया में हो रहा है वो दुनिया में तो फिर मतलब और ही बड़ा कुछ हो रहा होता है, वो क्यों नहीं होता? दुनिया तरक्की भी कर रही है ना, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। दुनिया बड़ी जबरदस्त होती है दुनिया के अंदर, वो चीजें भी होती है, वो क्यों नहीं हमें मिलती? दुनिया के वजीर आजम साइकिल भी जाते हैं, अपना हेलीकॉप्टर क्यों जा रहे हैं? वो पैदल भी चला जाता है, पैदल भी जाते हैं दुनिया में तो वजीर आजम। कभी हो ऐसा कि हम बाहर फिर रहे हो माल रोड के ऊपर, बुजार साहब नजर आए हमें चलते हुए, हम ब्लू एरिया में फिर रहे हो, खान साहब नजर आए चलते हुए, गाड़ी में नहीं पैदल जैसा आपने कहा। नहीं, जब जाते हैं अकेले जाते हैं सिक्योरिटी के बगैर, तो आप लोग ही कह देते हैं मीडिया वाले के जी देखें ड्रामाबाजी हो रही है। वो तो तब कहते हैं जब आप लोग वीडियोज बना के हमें भिजवाते हैं। नमरा जी आप बताएं, आप इनकी बातों से इत्तेफाक करती हैं? करती हूं। कितने भाई वोट दिया है पीटीआई को, तो थोड़ा निभाना पड़ेगा। और आप अभी तक होपफुल हैं कि आगे हालात? होपफुल हूं, अभी तक होपफुल है। आपने कराची में वोट डाला होगा पीटीआई को, और इस वक्त ये जो आजकल बहुत इन पे प्रेशर पड़ा हुआ है कि महंगाई बहुत हो गई है और ये नहीं हो रहा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए ऑब्वियसली मैं भी ऑडियंस ही हूँ, मुझे भी महंगाई तंग कर ही रही है, लेकिन बात वही है कि अभी वो इंसान आया है। जितनी भी हमारी बाकी हैं पीएमएल हैं या पीपीपी है, तो उनकी तो सदियों पुश्तों चलती आ रही हैं। पहले भुट्टो साहब आए, फिर बेनजीर साहब आईं, फिर उनके बेटे, अभी तो खान साहब आए हैं, रिप्रेजेंटेटर हैं, अच्छे रिप्रेजेंटेटर हैं, बेहतर हैं, और इंटरनेशनली भी अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम तो उन्हें देना चाहिए। मगर नम्रा हमें बहुत अक्सर क्रिटिसिज्म मिलता है कि कराची के अंदर पीटीआई जिन लोगों ने वोट दिया उसके बावजूद उनका बहुत वो है कि कुछ कर नहीं पाए। ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, इस वजह से। आप अभी आई हैं, आपको डिफरेंस नजर आता है लाहौर में और कराची? बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्या डिफरेंस नजर आता है? सबसे ज्यादा तो ये है माशाल्लाह लाहौर इस्लामाबाद बहुत साफ है, कराची इतना साफ नहीं है। और बहुत यहाँ पे मैंने जो कानून है, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हों या कोई और हो, यहाँ मैंने बेहतर देखे हैं जो कराची में इतने नहीं हैं। जो कराची में नहीं है, और ये किसकी वजह से हैं बेहतर आपके ख्याल में? भाई जिनकी हुकूमत थी, जिनके लोग थे, उन्होंने फेवरेटिज्म किया थे अपने शहर में, उन्होंने थी थे पे बात आ गई है। आप सुने ना क्या कहने क्या कह रही है? मैं आप खुद सोचे ना, देखें अगर मियां साहब जी थी थे उनके कहने बात तो यही है ना, लाहौर पे ही सारा बजट लगा दिया ना पूरे पंजाब का। अच्छा, और कहीं पे भी नहीं लगा? नहीं लगा। ओए होए होए, आपकी हुई है ट्रैवलिंग पंजाब में? और नहीं, वैसे इतनी आज सच तो में ज्यादातर मेरा इधर ही लाहौर में इस्लामाबाद में आना जाना हुआ है सिर्फ शूट्स के हवाले से। मगर आपको कैसे पता चला कि बाकी में नहीं लगा? क्योंकि मैं अपने शहर को देख रही हूँ ना। नहीं नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पंजाब में तो ऑब्वियसली हर जगह उन्होंने नहीं मेरा गुजरांवाला आप गई, मुल्तान आप गई, टूटी सड़क मिलेगी सरगोधा में तो टूटी सड़क मिलेगी, मगर फैसलाबाद गुजरांवाला और वहाँ पे तो काफी हुआ। नहीं, आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाए ना, किस दिन आपको खाना खिलाते हैं, आपको दिखाते हैं कि रोड्स पिछले 40 साल से रोड्स ही नहीं है। मगर अभी भी मियां साहब इस किस्म के हैं आपके वोटर्स जो कि अभी भी इस बात पे हैं? हम हमारे पक्ष में मान आते हैं, यहाँ पे कुछ हैं जो कि कहते हैं कि नहीं हमें मजा नहीं आया, हमारे पैसे वापस करो। कुछ हैं जो कि अभी भी हॉल में बैठे हुए हैं। अक्सरियत बैठी हुई है। मगर महंगाई तो एक बड़ी इंटरनेशनल इशू है सारी दुनिया पे। सर इंटरनेशनल इशू तो है, लेकिन उसको टैकल तो करना है ना। मतलब टैकल देखें, अभी आप कोविड से पूरी तरह निकले नहीं है, डेंगू आ गया आपके पास, आपने किसी गांव के चौधरी के 10,000 दे रहे हो ना, तो वो आपका जीना हराम कर देता है। तो आपने अमेरिका को बड़ी तड़ियां लगाई हुई है, एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है, और जिंदगी में फर्स्ट टाइम इतना दबंग कोई प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने आपको सीना चौड़ा करने पे मजबूर किया है, फखर है वो होता है। जी जी, तो तंग तो होना ये तो है अमूमन, क्योंकि हमारा अक्सर पेट ही चौड़ा होता है, सीना तो हमारा मसला दूसरा रहा है एक्चुअली। मगर सर ये डेंगू जो बीच में आया इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आप मानते हैं इस क्रिटिसिज्म को या इसको भी नहीं मानते? देखिए डेंगू इमरान खान ने तो नहीं कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं किया, मगर हैंडलिंग तो इमरान खान के दौर में हो रही है ना, ये पहले भी थी, 10 साल से चल रही है, मगर इस बार बहुत लूज हुआ है। नहीं, वो कोविड के फौरन बाद आ गया ना सर, ये इसकी गलती है, कुछ और टाइम दे के तो आते ना, तो समझ नहीं लगी। हां तो समझ नहीं लगी, एक साल के बाद आंदा था। हां बड़ी बड़ी स्टे देता है कोई, आपको स्टे देता है कोई, डेंगू पढ़या लिखया नहीं ना, उन्हें पता नहीं लगा। बिल्कुल ये बड़ा एक है, वहां पे तो आई गेस इतना नहीं है डेंगू का इशू। नहीं,
कराची के अंदर पूरा है बहुत ज्यादा, हाँ मगर उतना नहीं है कहीं यहाँ पे। एक बड़ा था कि बहुत साल 10 साल से चल रहा है अब तो डेंगू, मगर पिछली गवर्नमेंट के अंदर बड़ा उसको 7 साल में तो बहुत हो गया था ना, कवर हो गया। नहीं कवर तो हुआ था ये तो आप माने, देखे 10 साल हो गया ना डेंगू को, हाँ 7 साल 2018 तक जो था बड़ा मिले 3 साल। मियां साहब कहीं तो माने, कहीं से तो आप लोगों ने भी एक आधी मिस की हुई है बॉल। देखिए दो चीज होती है, या परफॉर्मेंस पे कवर हुआ था या प्रोपेगेंडा पे कवर हुआ था, आप दोनों में से एक तो कर पाए। नहीं हमारे खिलाफ थोड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, नहीं वो खिलाफ को छोड़े, बोल के भी खिलाफ होता था, आप लोग घर में बैठे होते थे लेकिन डेंगू नहीं छोड़ते थे। हमारी पूरी अपोजिशन एक साइड पे, अकेला इमरान खान है एक साइड, तो उस वक्त भी आप अकेला इमरान खान ही धरना देके बैठा हुआ था, और कैसा उन्होंने तंग किया हुआ था इनको, जारी बात है वो सारे फिर भी इकट्ठे थे। सर मैं डेंगू ने पूछा, मैं कहा तू वापस क्यों नहीं जा रहा, कहता नून लीग कहेगी तो मैं जाना। अच्छा डेंगू भी नून लीग का है सर, मानदेश वाशी साहब दी है ना डेंगू यार, ऐसी बात नहीं है, मगर नहीं एक बड़ा एक है एक्टिव मसला है कि उस तरह की हैंडलिंग शायद नहीं हो पा रही है, या कम से कम वो तो खैर आपके अपने भी लीडर कह चुके हैं कि आप लोगों से शो नहीं किया जाता जी। जो आप लोग करते हैं ये आप मानते हैं, ये भी नहीं मानते, बिल्कुल ऐसे ही ये शुक्र है कोई तो बात मानते हैं, ये भी खान साहब ने कह दी, वरना इन्होंने ये भी नहीं माननी थी हमसे शो भी क्यों नहीं शो किया जाता वैसे आपसे, कभी सोचा आप लोगों ने बैठ के? एक रियलिटी है मगर व्हाई आते भाई, क्यों कोई मतलब सोचते ना इकट्ठे बैठ के? आप एमपी मीडिया बड़ा स्ट्रांग था यार आपका तो, बहुत ही गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में इमरान खान साहब की, तो सोशल मीडिया हमारा डाउन। अगर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया तो आपका बहुत स्ट्रांग है और आप ज्यादा स्ट्रांग हो गए क्योंकि अब उनके पास जारी बात है एक स्टेट मशीनरी भी है, हम लोग दिखा नहीं पा रहे। अच्छा, हम लोग एक दूसरे में मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सोशल मीडिया है ऑफिशियल वो उन ऑपोजिशन वालों को अटैक करने में ज्यादा बिजी है एज कम्पेयर टू अपनी चीजें दिखाने, अपनी चीजें दिखा पाए उसको मेंटली उस तरह यूज कर पाए। बेसिकली तो हमारे लिटरेसी रेट आपको पता है क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हमारे फायदे में क्या है, हमारे नुकसान में क्या है। जितनी देर तक आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं अच्छी होगी तो क्या सरवाइव करेंगे आप दुनिया में? इमरान आपके सामने डेंगू आए, आप उसे मारेंगी या सिर्फ चीखे ही मारेंगे? अच्छा डेंगू को मारेंगे, दलेर लड़की है मतलब जाहिर बात है मारेंगे, चीखे मारने से क्या करना है डेंगू ने? लड़कियां होती है ना चीखा मार दी तो गड्डी चला यार, ये भी एक पुरानी बात है, गड्डी आ जाए तो ब्रेक नहीं मार दी गड्डी मार। आपको कितनी बार गाड़ी लगी है किसी खातून के चलाते हुए? मैं तो चाहता हूँ निमरा जी आए और गाड़ी मारे मेरे गाड़ी में, मुझे और क्या चाहिए? ऐसी बात यही बैठ के बोल रहे हैं जिस दिन मैंने सच में गाड़ी मारी। नहीं नहीं आप भी सच में ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये गाड़ी में ना हो। दिल तबाह किए जा रहा हूँ मैं और खर्च बेपनाह किए जा रहा हूँ मैं, लीडर के पास एक ही तकरीर है उस पे परसों से वाह वाह किए जा रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे कर रहा हूँ हकूमत का मैं दिफा जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। हाय हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। नम्रा ये बताएं आपको एक्टिंग का शौक क्या बचपन वाला था या बाद में जाके हुआ है? नहीं नहीं बचपन से तो कोई। अच्छा चलें ये तो हुआ, कई बार मोस्टली वो होता है कि बचपन से मुझे शौक था। नहीं, नहीं, तो ये आपको कैसे हुआ? बस बीच में मतलब जब मैं अपनी स्टडीज कर रही थी तब मुझे मौका मिला ऑडिशन देने का, फिर उस जमाने में मैं सिर्फ कमर्शियल्स करती थी। एक होता है हर किसी को शौक होता है लाइमलाइट में आने का, कैमरा शूट ही वो सबको होता है, तो 2 साल मैंने सिर्फ कमर्शियल्स किए, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब कुछ एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और अब माशाल्लाह पैशन है, अब ये है कि हाँ सिर्फ यही करना है, तो पहले प्रोफेशन नहीं था, अब ये है कि यही मेरा प्रोफेशन। पहले क्या शौक था आपको? पढ़ने का शौक था। पढ़ते तो हैं, कोई होता ना मैं ये बनूंगी या नहीं? पहले मुझे क्योंकि मेरी फैमिली में भी बहुत ज्यादा था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। अच्छा। तो मुझे ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो जैसे हर बच्चे को होता है, होता है जो लड़की होती है वो डॉक्टर बनना होता है, जो लड़का होता है वो इंजीनियर बनना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फैमिली आपको ज्यादा इस बात पे जोर देती है कि आप पढ़ें लिखें और बड़ा नोबल प्रोफेशन है। लेकिन मेहमान एक जैसे आए आज माशाल्लाह, उनको पढ़ने का शौक था, उनको धरने का शौक था। आज मेहमान बना के बहुत धोया जा रहा है पीटीआई को भाई, बहुत ज्यादा। नहीं 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 हम तो रोज करते हैं, रोज ही करते हैं, बहुत ही तो ज्यादा गलत बात है। मगर मुझे बताइए जो आपने मूवी की कटाक्षा जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और यूजली ऐसी फिल्म नहीं बनती, तो हाउ वाज इट फॉर यू? बेसिकली मुझे फिल्म करनी नहीं थी। अच्छा। मुझे सिर्फ ड्रामास करना था और क्योंकि मेरा शौक भी है और मेरी फैमिली भी चाहती है कि मैं सिर्फ ड्रामास ही करूं, लेकिन ये है कि वो फिल्म जब मैंने उनसे सुनी और जब वो डिस्कस हुई कि ना इसके अंदर गाने हैं और कॉन्सेप्ट मेरा ऐसा है, वो शायद पहली दूसरी बार ही लिख रहे थे, तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो। सर ये कताक्षा तो ड्रामा फिल्म थी कोई? नहीं नहीं फिल्म थी, फिल्म थी, शुगर थी दवाई समझ दे रहे हो उनको जो नाम ऐसा सी ना क्या की नहीं, मगर ये फिल्म थी और जैसे उन्होंने कहा कि एक बड़ी ऑफ बीट फिल्म थी, ऑफ बीट फिल्म, मगर आपने कहा आपको वैसे फिल्मों का शौक नहीं है? नहीं मुझे नहीं, देखने का भी शौक नहीं? देखने का तो है। देखने कौन है आपके पसंदीदा अदाकार? पाकिस्तानी तो क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे एक्टर्स ड्रामास के अलग हैं, कहीं से भी
वैसे फेवरेट एक्टर मुझे नुमान एजाज नुमान एजाज साहब बहुत सबा कमर बहुत पसंद ये तो वैसे हो गया ना जो ऐसे होते हैं वो कौन सा नहीं ऐसे तो नहीं मतलब वो डिफरेंट होता है ना जो एक्टर फिल्में करते हैं वो ड्रामा नहीं करते जो ड्रामा करते हैं वो फिल्में नहीं करते एक होते हैं वैसे जैसे वैसे चौधरी ठीक है ना वैसे वैसे एक होते जो दिल को अच्छे लगते हैं यार बहुत प्यारे हैं तो वो भी तो बता देना नहीं 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 वो ही उन्होंने बताया नुमान एजाज नहीं 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 दिल को प्यारे लगते हैं तो लगते होंगे भाई नहीं नहीं लगते हैं अच्छा दिल को प्यारे लगते हैं नुमान एजाज साहब तो बिल्कुल आपको मौका मिला उनसे एक्टिंग करने का नहीं मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला And I would love to work with बिल्कुल नुमान एजाज साहब एक बड़ा जबरदस्त नाम एक्टिंग के अंदर बहुत एक देखने से ही आप होते हैं खैर काम जब करने का मौका मिले तो वो एक और बिल्कुल एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का बब्बर शेर हैं सर वो सपोर्ट भी बहुत करते हैं दूसरे आप उनके साथ कौन सा रोल करना चाहेंगे हीरोइन मैं कोई भी कैरेक्टर करने को तैयार हूँ बहन बेटी हीरोइन कोई काम सर आपके भी कोई हैं फेवरेट एक्टर से कभी मौका मिलता है इमरान खान तो बहुत देर हो गई है कभी ना कुछ जब मिलता था तब क्या था फेवरेट एक्टर नहीं वो फेवरेट हीरो है पुराने तो मेरा ख्याल है ही नहीं है पाकिस्तान में तो एक दो हीरो हैं सुल्तान भाई साहब थे अल्लाह जन नसीब करे उसके बाद शान आ गया उसके बाद कोई अच्छा ये आपको 20 साल पीछे चल रहे हैं नहीं मैं देखता नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कोई बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है सुल्तान भाई साहब तक की था नहीं नहीं वो एज ए एक्टर उनको मैं जानता अगले उसके अलावा कोई मुझे शौक नहीं है कभी देखा ही नहीं कभी फिल्म टीवी कुछ भी नहीं क्या टीवी लगाओ आंखें बंद करके निकल जाते हैं नहीं मुझे नींद आ जाती अरे वाह टीवी चल रहा हो या डेक ऊंची आवाज में मुझे नींद आ जाता अच्छा ये वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग तो क्या मतलब आप अमूमन कौन सा शो देखते हुए सोते हैं कोई भी चल रहा टीवी चल रहा हो मुझे नींद आ जाता जदों ये सोंदे नहीं करते तो नहीं कहते बिस्तरा कर दो कहते टीवी ला दो ऐसा होता क्या कभी गाने नहीं सुने गाड़ी में हाँ बहुत देर हो गई है याद ही नहीं है कभी एक सीडी लगा ली नई गाड़ी ली है तो वही चल रही है वो कौन सी सीडी है कोई भी चल रहा है अच्छा। कहीं से चेक करनी है बस चल रही है एलसीडी चल रही है ओए तो वैसे अपने लिए क्या करते हैं आसिफ साहब सियासत के अलावा आवाम की खिदमत के अलावा कोई एक टाइम जब निकलता है मियां आतिफ अपने लिए क्या करते हैं मैं अपने घर में रहता हूँ अपने घर में होते हैं और क्या करते हैं अपनी मिसेज के साथ मिसेज के साथ बैठे हुए गप्पे मारी लूडो खेली गप्पे मारी अरे वाह तो बढ़िया पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा आपने जी बिल्कुल देखा मजा आया बिल्कुल तो मसला आपको अपने आप में बाबर आजम नजर आया या वो रिजवान नहीं मैं तो वो नहीं बन सकता वो हीरो ने सर वो बनो तो सही मगर ऐसा हुआ क्या मैच देखते हुए सो गए मैं वो देखता हूँ जो बड़े अहम मैच होते हैं अच्छा हम रूटीन के मैच में रूटीन के मैच नहीं देखते जाहिर बात है पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो बहुत अहम था वो तो बहुत अहम था तो वो देखते हैं मगर अब ये है कि रात के वक्त अगर टीवी लगाओ तो आप सो जाते हैं नहीं डे टाइम मगर नहीं एक उनका है कि वो सर एक मरीज का पता लैन गए उन्होंने टीवी लाया तो सो गए तो आपने नमरा का तो काम देखा ही नहीं होगा बिल्कुल वो आपने तो बिल्कुल टीवी से ही उन्होंने अपना पुकाया कि मैं सिर्फ टीवी देखता ही सोने के लिए हूँ मगर आप तो और लोगों का काम देखती हैं अपने अलावा जी जो नुमान एजाज और सबा कमर ना होते हैं उनका भी देखती होंगी जी जी बिल्कुल ये दो ही हैं सिर्फ जो कि निकले आपकी पसंद के नहीं नहीं पसंद के तो बहुत सारे हैं बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं हमारी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस सजल बहुत अच्छी हैं यमुना जैदी बहुत अच्छी तो ये अच्छे एक्टर्स हैं हमारे और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं तो काम तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन होता है ना कि एक आपका फेवरेट होता है नुमान भाई को ड्रामा फरीजाद एक चल रहा है जी जी क्या कमाल फरीजाद के अंदर तो खैर नुमान एजाज साहब ने और अहमद अली अकबर ने जो बहुत जबरदस्त काम किया कमाल कैरेक्टर उन्होंने किया है और खुशी इस बात की है कि वुमन बहुत सा क्रिटिसिज्म मिलता है कि एक ही टाइप की स्टोरीज होती हैं और ये मगर इस बार इट्स बीन अ डिफरेंट थिंग फॉर अस सर आप भी कभी देखें कभी सुबह स्टार्ट कर लें ड्रामा नहीं टाइम अगले 5 साल देखेंगे टाइम ही नहीं होता अब जब फ्री होते हैं तो सो जाते हैं सुकून से वाह वाह मियां साहब ने जिंदगी अपनी अजीब सिंपल रखी हुई है सुबह 5 बजे उठ के तो आप देखें ना रात 9 बजे 10 बजे तक आवाम में है हल्के में है या इधर लाहौर में है बच्चों को टाइम दें अपने घर वालों को टाइम 5 बजे क्यों उठते तुसी मियां जी गुजर नहीं सर तुसी केड़ा दूध देना हुंदा सर Good, how are you? You know, I am very upset today. And why today? You know, couple of days ago, mere na ghar de samne ek nave munde aaye ne. Acha. Bade unna de dande hage ne. Acha. Mere dost ban gaye. Okay. Haan, te gym jande san na mainu naal leke jande san. Acha. Haan, mainu chokke aainde ni karde san. Mere dost ban gaye. Ek wari raati maal road te gaye hain motorcycle utte. Theek hai. Inna enjoy kita. Acha. Bade acche hage ne mainu khwande pende vi ne. राती आके मैंने कहने नहीं हमारे दोस्त ज्यादा हो गए तुम ये 3 बाइकें अपने गैराज में खिलार लोगे मैं क्या खिलार दो कोई बात नहीं तुम दोस्त हो
थोड़ी देर बाद आए ने कहते ने ये एक सामान का ट्रंक है ये भी यहाँ रख लो। मैं रख लिया 12:30 हो बैल हो मैं बुआ खोले तो मोटे ते डाला एस एच ओ। मैंने कहना बाहर आओ। मैं कहनी मैं नहीं आना मैं डर लग जाए। अंदर आके तो मैंने कहते ने तुम्हारे घर की तलाशी होगी। मैं क्या सर्च वारंट है आपके पास? पूरी मैं तड़ी नल के जितनी जोर दी मैं क्या उड़ी जोर दी उन्हें मेरे मुंह से चपेट मारी। सारे मोटरसाइकिल बाहर कड़े ने ट्रंक बाहर कड़े है। मैं कहा ये मेरे नहीं है मेरे दोस्तों के हैं। उन्होंने जी बैल उन्होंने दी अंदरों कोई निकले ही नहीं। वो मैं करके वेखा तो बूहा खुला सी। गया मैं अंदर जाके वेखा कोई बंदा ना बंदे की जात। वो फिर मैंने थाने लै गए ने उत्थे बड़े प्यार उन्होंने मैंने जाके बिठाता नलके दे उत्ते। ते मैं क्या एक समझ लेने भी नहा नो के तैयार हो जा फैंटी खाने वास्ते। इन्नी देर न कपड़िया की पंड ले आए ने। मैं कह नहीं मेरे को आए ने कपड़े आई डोंट नीड इट। कहते नहीं पुत्र पहले बह के धो। पहले मैं कपड़े धोते ने उस तो बाद फिर उन्होंने मैनू धोता। मैं कहते ने वकील करो और अपनी जमानत कराओ वरना तुम 3 साल के लिए जेल चले जाओ। वकील को गया कहना गिव मी 12,000। अच्छा 12,000 रुपये मैं किथों दे आ? मैं उन्होंने बड़े तरले कीते ने बात कहना लियाओ तो तुम्हारी जान छूटेगी वरना जेल जाओगे। मैं नहीं जेल जाना मैंने उठन दी रोटी नहीं चंगी लगती। कुछ पुलिस मेरी जिंदगी बचा लो 12,000 नहीं द्वार लेने ने मैं जो वकील ने दे के कुछ पुलिस हेल्प नहीं। वासे भाई ने कितों देने वो अजाब कोआलां दे मैनेजर लग रहे ने। चेहरे च लग रहा इमरान खान दे साथी ने। इमरान खान दे साथी दे चेहरे ते मुस्कुराहट हुंदी है। मियां साहब दे जेहड़े मेंबर ने ना वो अजकल परेशान ने। अच्छा पी टी आई वाले हेल्प करते ने नहीं मुंडी गल ते पुछदे ही नहीं। अच्छा वो जनन आ गया इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ बन गया नवा पाकिस्तान। पाने मेरी जमानत करा लेंगे। अच्छा हाँ उन्होंने चेहरे तो लग जाए रिलैक्स बैठे नो प्रॉब्लम 12,000 तो शायद कोई नहीं। हाँ। चेहरे नो छोड़ो जेल नो देखो कोई नहीं 12,000 कोई नहीं कोई नहीं ये नहीं हो सकता। पाजन पिछली बार भी मैंने याद है आए सन मेरा रेंट कट सी पाजी दे के गए सन मगर आज कुछ नहीं है देख लो फिर आज नहीं 2 साल बाद इलेक्शन है फिर दुआवां नाल ही जीतना है। मैं पहले भी 10-15 बंदे ने किया मैं वकील मैं कर ला जिवे बगैर 12,000 दी टोपी हुंदी है। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਐਮ ਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਯਾਰ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਲਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅਗੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੀਐਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੇ ਔਰ ਲੱਗ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं मैंने कहा था मेरी मिसेज वकील है तो वो आपका केस लड़ दे। भाजी केस झूठा है पैसे असली चाहिए। तू पिछले वाले कहाँ गए? वो तेरे पीछे मेरे मैनू पता सी मैनू देंगे पैसे। उन्होंने चेहरे तो लग रहे थे कि बड़े हसास आदमी ने। थैंक यू एनीवे आई हैव लॉट्स ऑफ प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। अगले इलेक्शन दे विच तुसी जितो जितो जी वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान वो बन गया नवा पाकिस्तान। बीमार हो
मैं एडा बीमार होया यार कोई पूछने नहीं आया आप जी सर कब? चलो थोड़ी तो खैर है थोड़े तो मैं कोई अफसोस नहीं लेकिन सीएम साहब भी नहीं पूछना आई यार कौन से सीएम साहब कम से कम फोन कर लेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे भैया कौन से सीएम अपने बुजदार साहब अच्छा हाय इस पंजाब में कोई नौ सीएम साहब ने सर नहीं मुझे नहीं पता ना कौन से सूबे की बात कर रहे हैं सर बुजदार साहब इज माय क्लोज फ्रेंड यानी हर वेले मैं उनकी खिदमत करनी होती है एक कॉल ही की थी अखीर कढ़िया डाला गया जाके आप ही सलूट मारे मैं क्या सर मैं नहीं तोड़े नाम बोल रहा अच्छा हाँ मैंने कहा ने की होया मैं क्या सर वो होया जड़ा शबाज शरीफ साहब के दौर च कदे नहीं होया कदे नहीं होया मैंने कहा ने एहतसाब और मैं क्या सर डेंगी अच्छा डेंगी जब भी आया उन्हें ही करके नवाज शबाज शरीफ साहब ने देखे तो यहीं नहीं मुड़ गया भाई ये मारेगा अच्छा तो मैं क्या सर डेंगी हो गया मैनू बल्कि कितने लोगों नु डेंगी हो गया अस्पताल भरे पए ने कहंदे ने एक मच्छर पूरी हुकूमत को बदनाम कर देता मैं क्या सर डायलॉग ना बोलो मेरी हालत देखो 104 मेरा वजन सी 62 किलो रह गया मैं क्या सर मैंने तो हेल्थ कार्ड भी उन दो लगनगे ओ मैं क्या सर कुछ करो इन मच्छरों का ए मच्छर वधे जांदे ने कहंदे ने दसो की करिए मैं क्या सर घर घर जाके लोगों नु दसो भाई पानी ना जमा करें घर को साफ रखें लोगों को पंप करें कि पंप से स्प्रे करें नहीं तो मैं क्या ये मच्छर और थोड़े दिन बाद खच्चर बन जाएगा मैंने कहा ना हमसे ये काम नहीं होता कोई आसान काम बताओ अच्छा मैं क्या फिर इन मच्छरों नु ना अपनी कबीना च वजारत दे दियो दो वजारतों से काम चल जाएगा मैं करके वेख्या मैंने कहा ने चलो एक आधे को फिर हम मुशीर खास रख लेंगे मैं कह जी हां जी मैं उन्हें को की कह सकता सा मैं कहते ने की करिए मैं सर लोगों के घर स्प्रे दो जलेबियां वंडो अच्छा मैं कहते ने ठीक है फिर पंजाब के हर घर पांच किलो जलेबियां दे मैं सर जलेबियां का मतलब है ਉਹ ਦਿਓ ਕੁਆਇਲ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇ ਮੱਛਰ ਕਿਧਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਮਾਨ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਹੁਆ ਤੈਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੈਸ ਉਹ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਪੂਰੇ ਵਸੂਖ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹਲਕੇ ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜੀ ਸਰ बड़े कमाल आदमी ने यार ईमान ना सियासतदान है ही नहीं इंसान ने बड़े ड्रामे कमाल अच्छा। फेस एक्सप्रेशन ऐसा है समझ नहीं आता पता नहीं लगन देते गुस्सा है खुशी है गम है कमाल फनकार है सर जी एक फ्रैश फोटो दे दियो जी जी क्योंकि कल भी नैब वाले की कॉल आई है उन्होंने कहा 1.5 साल रह गया कुछ जेल खाली ना ना रहन लगी रहे मैडम जी कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज क्यों फिर ऐसी अंग्रेजी को बोल सकता कोई नहीं एडे बड़े लफज ने मेरी दाड़ा में फंस जाते वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो 2020 का आगाज करते हैं ये बताएं एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ आप सेल्फी लेंगी एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ठीक है जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है मुबीन कबूल सलीम मिराज और अली अब्बास तो सेल्फी किसके साथ है अली अब्बास को मैं स्माइल दूंगी ठीक है और
और सलीम महराज के साथ मैं सेल्फी लूंगी। और किसका फ्लोर आ गया है? जो रह गए वो कौन है? मुबीन गबोल। मुबीन गबोल का फ्लोर आ गया है, ठीक है। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत, ठीक है। ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। हुमायूं। हुमायूं सईद को, ठीक है। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस हैं आपके पास मिकाल जुल्फिकार, आसिम अजहर और बिलाल अब्बास। आसिम अजहर। आसिम अजहर का, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। मुराद अली शाह। मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध, ठीक है। क्या बात है जी मियाँ साहब, कोई तीन नाम आपने मुझे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून या पीपल्स पार्टी में से, जिनको आप चाहेंगे कि वो PTI में आ जाएं। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी चूज कर सकते हैं आप। एतजाज अहसन साहब पीपल्स पार्टी से, और चौधरी निसार। चौधरी निसार अली खान फिलहाल कोई पार्टी नहीं। और बेसिकली नून लीग पुराने, और राणा महमूद अलग। राणा महमूद अलग, ठीक है। सर ये बताएं, लिफ्ट में आप भी एंटर हुए, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरुख हबीब, फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी लेंगे जी फवाद चौधरी। स्माइल किन को दे रहे हैं? फरुख हबीब। किसका फ्लोर आ गया है? चौहान साहब। चौहान साहब फ्लोर आ रहा है आजकल, काफी मर्तबा आ गया। काफी मर्तबा आ रहा है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहरी रहमान और माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और नमरा शाहिद। नमरा की लगा लें। नमरा ही, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अबरारुल हक और जनाब मियां असलम इकबाल। असलम इकबाल। असलम इकबाल साहब, मियां आतिफ साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। नमरा शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खबर की दुनिया।